फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेट कैलकुलेशन की। एमएस पाइप 40 mm डाया है, एमएस पाइप के वेट कैलकुलेशन की। अक्सर क्या होता है कि हम फील्ड में हम काम करते हैं तो हमारे स्टोर वाले या हमारे इंजीनियर्स जो है कोई भी मटेरियल रिसीव करते हैं तो उनको ये नहीं मालूम होता है कि एमएस 40 mm डाया का 50 mm डाया का यूनिट वेट क्या होता है। तो उसका एक बहुत ही ईजी तरीका है, मैंने आपको आज समझाना है कि बहुत ही उम्दा तरीके से कैसे वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मास अपॉन डेंसिटी टू वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। एमएस पाइप का क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम पाइप का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ये चीज़ें, ये तीन चार चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली इसका जो है ना एक मीटर में कितना वेट होता है ये इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 40 mm जो पाइप है वो कितने में डाया है, उसका आउटर डाया कितना है, इनर डाया कितना है, ये अगर आपको पता है तो, या फिर आप थिकनेस मेजर कर सकते हो। वर्नियर कैलिपर होता है साइड पर, उससे इस पाइप की थिकनेस अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो इजीली मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा मास का फॉर्मूला है, वेट का फॉर्मूला है, ठीक है। वेट क्या होता है, डेंसिटी टू वॉल्यूम। एमएस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है इसका, जो होलो पाइप है, पाई ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ओडी क्या है हमारा, आउटर डाया, आईडी इंटरनल डाया, ठीक है ना। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम ऑफ पाइप जो भी एरिया है ये मल्टीप्लाई बाय लेंथ, उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। ये टोटल मास इंटू डेंसिटी वॉल्यूम, पहले हमें एरिया निकालना है, फिर हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पाइप का जो है वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं। चलिए, इसको हम शो कर लेते हैं V से। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ओडी, पाई ओडी माइनस आईडी, पाई पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, ओडी ये 40 mm डाया है, ठीक है ना। ये 40 mm डाया है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कर लेंगे। तो मीटर में करने के लिए 0.040, ठीक है, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो एक और जीरो के बाद में पॉइंट लग जाएगा, तो एक और जीरो के बाद में यहाँ पॉइंट लग गया माइनस आईडी। ऐसे ही है 36, इसको 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.036 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है ना। अब एक मीटर के लिए निकालना है हमें, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 मीटर, ये मीटर है तो इसलिए हमने इसको भी मीटर कर लिया, इसको भी मीटर कर लिया, ठीक है ना। इसलिए हमने 1000 से 40 को डिवाइड कर दिया तो 0.040 आ गया। ऐसे ही 36 को 1000 से डिवाइड कर दिया तो 0.036 ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, 3.14, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं, 0.0016, ठीक है। अब इसकी निकाल लेंगे ऐसे, इसकी निकल के आएगी 0.001296, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1, ये मीटर के लिए निकालने हैं, 1 डिवाइडेड बाय 4। अब कितना ये वैल्यू कितना निकल के आएगा, इसको हम निकाल लेते हैं,
3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.00023864। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम आ गया फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम आ गया। ठीक है ना, अब ये वॉल्यूम आ गया, अब हम इसको वेट निकालेंगे। वेट का फॉर्मूला कितना है, ये मास का एम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.00023864 मल्टीप्लाई बाई, ये मास हो गया। इसकी डेंसिटी कितनी है, स्टील की जो डेंसिटी होती है 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। ठीक है, तो इसको हम 7850 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकल के आ गया ये 1.873, ये आ गया केजी पर मीटर। ठीक है, ये हमारा केजी पर मीटर निकल के आ गया। हमें सीधा क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमारे पास ये फॉर्मूला है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हमें पता है कि आउटर डाया कितना है, इनर डाया कितना है, इन दोनों को मीटर में चेंज करके यहां रख देंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पाई ओडी स्क्वायर माइनस आईडी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है ना, लेंथ एरिया, एरिया टू लेंथ, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, एरिया टू लेंथ, एरिया एरिया हो गया हमारा। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें होल स्क्वायर कर देंगे इसका, तो 0.0016 आ जाएगा, इसका 0.00126 आएगा। ठीक है ना, इसका कैलकुलेशन कैलकुलेट कर लेंगे, अपने पास साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होता है साइट पर और वैसे भी होता है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, ये जो स्टोर में जो स्टोर कीपर या स्टोर इंचार्ज होते हैं ना, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये फॉर्मूला, उनको भी पता हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये वैल्यू जो निकल के आई है वॉल्यूम है इसका। ठीक है ना, वॉल्यूम मतलब क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में निकल गया। ठीक है ना, क्योंकि वॉल्यूम का लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू डेप्थ। ठीक है ना, तो इसलिए क्यूबिक मीटर आ गया। ठीक है, तो डेंसिटी इसलिए वॉल्यूम निकलने के बाद में वॉल्यूम को यहाँ पुट कर देंगे, ये वॉल्यूम आ गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे, डेंसिटी हमारी 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर आ गई। ठीक है ना, तो वेट कितना आ जाएगा, ये 1.86, ये आएगा तो वैसे केजी में। ठीक है, ये केजी में आएगा, लेकिन हम 1 मीटर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है ना, वेट कैलकुलेशन फॉर 1 मीटर, ये 1 मीटर के निकाल, इसलिए पर केजी लिख दिया, लेकिन ये मास निकल के आ गया, ये 1.873, ये केजी निकल के आ गया। ठीक है ना, लेकिन 1 मीटर के लिए निकाल, इसलिए हमने लिख दिया था। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7850 स्टील की डेंसिटी है। ठीक है ना, 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा केजी निकल के आ जाएगा 1.873 केजी, यानी 1 मीटर में इतना वेट है। तो ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत ही बेनिफिट फॉर्मूला है ये इंजीनियर के लिए भी, स्टोर वालों के लिए भी, और जो सुपरवाइजर होते हैं उनके लिए भी, इससे सारे वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैन है स्टील का वेट निकालने के लिए, वेट ये फॉर्मूला मैन है। तो इसको आप समझो, बार बार एक प्रैक्टिस करो। ऐसे आगे हम एंगल का निकालेंगे, पत्ती का निकालेंगे, शीट का निकालेंगे, सारा वेट कैलकुलेट करेंगे इससे हम। ठीक है, और भी जो है एलिमेंट्स होते हैं, होलो ट्यूब होते हैं, उन सबका एक एक फॉर्मूला हम निकालेंगे। अभी हम इसका निकालेंगे 40 का, अभी हम 50 का निकालेंगे, 50 एम डाया होलो का, बड़ा भी निकालेंगे। ठीक है ना, साइज बढ़ा देंगे, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फील्ड में काम करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। ठीक है ना, चलिए ऐसी अगली वीडियो मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।